गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स, स्वागत है आपका फोकस ऑन एजुकेशन में। मैं एजुकेटर आप सब के लिए इम्पॉर्टेंट डेज लेकर आई हूँ, जो अगस्त में हमारे लिए कौन कौन से डेज इम्पॉर्टेंट है उस पर हम जरा नज़र डालते हैं। चलिए, 3 अगस्त वर्ल्ड संस्कृत डे है, 4 अगस्त को हम नेशनल बोन एंड ज्वाइंट डे मनाते हैं, 6 अगस्त को हम हिरोशिमा डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। यूएसए ने जापान में एटम बम गिराया था वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम, और ये इम्पोर्टेंटली हमारे लिए हो जाता है। नेक्स्ट नेक्स्ट डे हमारे लिए इम्पोर्टेंट है 7 अगस्त, जिसको कि हम नेशनल हैंडलूम डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। 8 अगस्त हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हम इस दिन नेशनल क्विट मूवमेंट डे के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट है 9 अगस्त, जिसे हम नागासाकी डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। 9 अगस्त को हम वर्ल्ड इंडिजेनस पीपल के रूप में भी मनाते हैं, इसे हम ट्राइबल डे के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट है 10 अगस्त, जिसे कि हम वर्ल्ड लॉयन डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ये डे भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट डे है, वो है हमारा 12 अगस्त, जिसे हम वर्ल्ड एलिफेंट डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। 12 अगस्त को हम इंटरनेशनल यूथ डे के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं। और नेशनल यूथ डे हम कब मनाते हैं? 12 जनवरी को, ये भी पॉइंट आप याद रखिएगा। और इस बार की थीम क्या रही है? यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन, जो कि वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट क्या है? 19 अगस्त, जिसे हम वर्ल्ड फोटोग्राफी डे के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं। 19 अगस्त को हम वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट क्या है? 20 अगस्त, जिसे हम वर्ल्ड मॉस्किटो डे के रूप में सेलिब्रेट, 20 अगस्त को हम सद्भावना दिवस के रूप में भी मनाते हैं। सद्भावना दिवस जो है, वो राजीव गांधी के मरणोपरांत ये मनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्या है हमारे लिए इम्पोर्टेंट? 26 अगस्त, जिसे हम वुमेन इक्वालिटी डे के रूप में सेलिब्रेट। नेक्स्ट है 29 अगस्त, जिसे हम इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। और लास्ट है हमारा 13 अगस्त, जिसे हम नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं।